ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत कांग्रेस पर कितना असर डालेगी, इस पर हर तरफ चर्चा है। लेकिन उनके भाजपा में जाने को लेकर सिंधिया राजघराना और उससे जुड़े चेहरों की कहानियां भी सुनी सुनाई जाने लगी हैं। आज पूरा सिंधिया परिवार भाजपा का हिस्सा बन चुका है, जैसा कभी उनकी दादी राजमाता विजयी राजे सिंधिया चाहती थी। लेकिन अपने बेटे माधवराव सिंधिया के आगे हार गईं, क्योंकि माधवराव सिंधिया ने माँ से अलग जाकर कांग्रेस में पूरी जिंदगी गुजारी। बहरहाल ज्योतिरादित्य की भाजपा में ज्वाइनिंग के वक्त जेपी नड्डा ने राजमाता को याद किया, तो ज्योतिरादित्य ने अपने पिता की जनसेवा का जिक्र किया। आप में से ज़्यादातर को ये बहुत सामान्य लगा होगा, मगर राजमाता और माधवराव सिंधिया के रिश्ते इतने सामान्य नहीं थे। अगर हम आपसे कहें कि राजमाता ये वसीयत करके गई थी कि उनके बेटे को उनका अंतिम संस्कार ना करने दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि कोई माँ इस हद तक अपने पुत्र से कैसे नफरत कर सकती है, लेकिन ये सच है। राजमाता क्यों नहीं चाहती थी कि माधवराव उनके शव को हाथ तक लगाए? इसकी वजह बताने से पहले हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि राजमाता विजयी राजे ने अपने बेटे से महल में रहने तक का किराया वसूला था। पति के निधन के बाद राजनीति में उतरी राजमाता ने शुरुआत तो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचकर ही की थी, मगर इंदिरा गांधी की राजे रजवाड़ों को लेकर, नीतियों को लेकर उनका मोहभंग हो गया। राजमाता ने जनसंघ का दामन थाम लिया, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों के साथ इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रबल विरोधी बन गई। बेटे माधवराव सिंधिया भी मां के साथ जनसंघ में ही थे, जनसंघ के टिकट पर ही जीत कर लोकसभा में पहुंचे, लेकिन देश में इमरजेंसी के दौरान टूट गए। राजमाता सिंधिया भूमिगत हो गई थी, पुलिस उनकी तलाश में दबशीश कर रहे थे। इस सबके बीच ग्वालियर राजघराने पर सरकार ने शिकंजा कस दिया। इनकम टैक्स समेत तमाम एजेंसियों के छापे दर छापे से नौबत यह कर दी गई कि या तो हमारे साथ आओ या फिर संपत्ति से हाथ धो। माधवराव सिंधिया माँ की तरह संघर्ष नहीं कर सके, इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के आगे सरेंडर कर दिया। राजमाता को धोखे से गिरफ्तार करवा दिया गया। आरोप यहाँ तक है कि माधवराव सिंधिया ने ही अपनी माँ को गिरफ्तार करवाया। राजमाता ने अपनी आत्मकथा राजपद से लोकपद तक में बेटे की भूमिका को लेकर कई बातें लिखी हैं। विजयी राजे सिंधिया ने यह भी कहा था कि इमरजेंसी के दौरान उनके बेटे के सामने पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा था, जबकि बेटे को हाथ भी नहीं लगाया। विजयी राजे अपने बेटे से इस कदर नफरत करने लगी कि उन्होंने ग्वालियर के 400 कमरे वाले शानदार जय विलास पैलेस में रहने के लिए माधवराव से किराया भी मांग लिया। अपनी वसीयत में राजघराने की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, बल्कि यह लिखा था कि मेरा अंतिम संस्कार मेरा बेटा नहीं करेगा। राजमाता की वसीयत के हिसाब से उन्होंने अपनी बेटियों को काफ़ी जेवरात और अन्य बेशकीमती वस्तुएं दी थी। मां से नाराजगी की वजह से माधवराव को पारिवारिक संपत्ति में काफ़ी कम दौलत मिली। हालांकि वर्ष 2000 में जब राजमाता का निधन हुआ तो मुखाग्नि माधवराव सिंधिया ने ही दी थी। आज ज्योतिरादित्य कांग्रेस में अपना अपमान होने पर भाजपा में आए हैं, तो एक वक्त उनके पिता सरकारी दबाव के चलते अपनी मां को अपमानित करने वाली कांग्रेस की गोद में जा बैठे थे। सिंधिया परिवार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।